क्योंकि मैं भी सुबह से इस इंतजार में था कि आऊं और आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन मंच के अपने आदाब हुआ करते हैं और मंच के आदाब मानने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। मुल्क एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं आपके सामने, मैं नई नस्लों की नुमाइंदगी करते हुए अपने नौजवान साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाई, सियासत में हिस्सेदारी लेना सीखिए। सियासत में सिर्फ सरकारें बदल देने का मतलब सियासत में हिस्सेदारी नहीं होती है। सियासत में सरकार बदल जाने के बाद भी, अपनी सरकार आ जाने के बाद भी लगातार आवाज उठानी पड़ती है। और जो ये सोचते हैं कि वो हमें डराएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच जो ये सोचती है कि हमारी सरकारों को दरबदर कर देगी, तितर बितर कर देगी और हमें डरा देगी, हमें उसके सामने भी मुसलसल आवाज उठाते हुए ये कहना है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैरखाहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आपकी धड़कने जो कह रही है, मैं उसे शब्द दे रहा हूं, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हाथों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, मैं पहुंचाता हूं दिल्ली तक इन मिस्रों को, कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। लेकिन अब जो सच्ची बात कह रहा हूं उस पर मुहर लगाना के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कांग्रेस की जो तहजीब है वो कितनी खूबसूरत तहजीब है। एक तरफ राजेश भाई बैठे हैं, एक तरफ इमरान बैठे हो, एक तरफ रामेश्वर उरांव बैठे और एक तरफ आलमगीर आलम बैठे। यही तो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब मौलाना आजाद और पंडित नेहरू देखा करते थे। इसी से डरती है भाजपा। आप कभी ये मत सोचना कि बहुत बड़ी जम्मे गफीर इकट्ठा करके और गयूर मुसलमानों कह देने भर से भाजपा डरती है। नहीं, भाजपा डरती है ऐसी तस्वीरों से जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर के बैठते हैं। इससे खूबसूरत मंच क्या हो सकता है? ईसाई समाज की नुमाइंदगी करते हुए बंधु भाई बैठे हैं, हमारे दूसरे विधायक बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करते हुए बाकी साथी बैठे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग बैठे हैं, हमारे सरदार भाई बैठे हैं, हमारे जैन भाई बैठे हैं। ये है असली हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा था महात्मा गांधी जी ने। मैं गांधी मैदान पर यात्रियों में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि हमने समसम दिया आवे गंगा दिया। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, हमने समसम दिया आवे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया।
घंटे से आप बड़े थके थके से बैठे हैं। मुझे लगना चाहिए कि मैं रांची के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूँ, जिनका जोश अभी ठंडा नहीं पड़ा और जिनके हौसले अभी टूटे नहीं है। ये हमने सब सनम दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपके सारी हाथों से गुजर जाएंगे। रांची वालों और रांची के तरफ से जो लोग आए हैं, करीम अंसारी साहब हैं धनबाद से, बड़ी तादाद में अपने साथियों के साथ आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। मेरे भाई, ये दौर ऐसा है, एक तरफ किसान सरहद पर बैठा है, दिल्ली की सरहद पर, पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन चल रहा है। एक मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, मैंने कहा 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी बताएं और कितनी मौतों के बाद वो तैयार हो जाएंगे इस काले कानून को वापस लेने के लिए। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बता दे कि वो अंबानी अडानी के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से लखीमपुर में किसानों पर गाड़ियां चढ़ा करके उन्हें कुचला गया, और जिस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरी रात किसानों के लिए संघर्ष करते हुए उन तक पहुंचने के लिए जेल तक जाना कबूल कर लिया, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी चल रही थी। ऐसे वक्त में इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है जो आपके हुकूक के लिए लड़ सकती है, आपके हक के लिए लड़ सकती है। मेरे भाई, हो सकता है छोटी छोटी शिकायतें हों, लेकिन मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से यहाँ खड़ा होकर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने एक संदेश आपको दिया है कि तुम्हारी आवाज को हमने AICC में बैठा दिया है, इससे काम लेना है तो काम लो, हमने तुम्हारी आवाज को ताकत दे दी है। अब अगर आप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मैं आज भी यहाँ पे राजेश जी से कह रहा था कि आखिरी सम्मेलन नहीं होगा, हम झारखंड के एक एक जिले तक चलेंगे, एक एक मंडल तक जाएंगे, प्रमंडल तक जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि खतरा कितना बड़ा है, उन्हें बताएंगे कि मुल्क फासिस्ट ताकतों के हाथ में किस तरह से जा रहा है। इसे वापस लाने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा।